हेलो एवरीवन वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल आज हम स्टार्ट करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज और सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे सो लेट्स बिगिन द सेशन क्वेश्चन वन इज द स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन कैन बी री और देयर बाउंड्रीज अल्टर्ड बाय सो आपके पास चार ऑप्शन हैं आप इन्हें एक बार देख लीजिए वेल well, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज यूनियन पार्लियामेंट बाई सिंपल मेजोरिटी इन द ऑर्डनरी प्रोसेस ऑफ लेजिशन सो इसमें क्या पूछा गया था आपको कि जो स्टेट्स हैं इंडियन यूनियन की उन्हें हम री ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और उनकी बाउंड्रीज की हम ऑल्ट्रेशन भी कर सकते हैं सो so, इसको करने के लिए आप इसको कर सकते हो जो पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से पास करवा के ये चीज हम कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी मतलब फिफ्टी परसेंट प्लस वन प्रेजेंट एंड वोटिंग ना मूविंग टू क्वेश्चन नंबर टू अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन वॉज़ फॉर्म लास्ट सो आपके पास चार ऑप्शनस है आप इन्हें एक बार देख लीजिए आपने ये बताना है कि इन चारों में से सबसे लास्ट में कौन सी बनी थी वेल well, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये आपकी बनी थी 1953 में गुजरात आपकी बनी थी 1960 में कर्नाटका आपकी बनी थी 1956 में एंड पंजाब आपकी बनी थी 1966 में सो so, इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी बात करें अगर गुजरात की तो यह आपकी किसमें से बनी थी यह आपकी पहले थी बॉम्बे जिसमें से आपकी महाराष्ट्र एंड गुजरात दो स्टेट्स बनी थी महाराष्ट्र में आपके पास मराठी स्पीकिंग लोग हैं और गुजरात में कौन से हैं गुजराती स्पीकिंग बात करें अगर हम कर्नाटका की तो कर्नाटका का जो अर्लियर नेम था वह क्या था वह था इसका नाम मैसूर सो so, इसका नाम कर्नाटका कब आया बना था इसका नाम कर्नाटका कब चेंज हुआ था यह आपका चेंज हुआ था 1973 में बात करें अगर हम पंजाब की तो पंजाब जो आपकी बनी थी ये कौन सा कमीशन था जिसमें पंजाब आपका यह बना था ये आपका आया था शाह कमीशन में जिसमें कि हरियाणा पंजाब से अलग हो गया था वेल अगर हम बात करें आपके कमीशन की तो जो आपका शाह कमीशन है ये आपका इसकी जो रिपोर्ट आई थी वह आई थी 1966 में इसी प्रकार अगर हम बाकी कमीशन की भी बात कर लें जैसे कि जो आपका पहला कमीशन आया था आफ्टर इंडिपेंडेंस वे आया था आपका धार कमीशन सो so, क्या था आपका धार कमीशन सो so, इसका क्या हुआ था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो यह पहला कमीशन आया था जिसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और इसकी रिकमेंडेशन को जेवीपी ने जाने की जवाहरलाल नेहरू जी वल्लभ भाई पटेल और पी पिता भी रमा समैया ने इसको नहीं माना था फिर 1953 में आंध्र प्रदेश में एक इंसान थे जिनका नाम था श्रीराम मालू जिन्होंने फास्ट किया था और उनकी डेथ हो गई थी तो फिर जो आपकी आंध्र प्रदेश थी ये आपकी पहली स्टेट बनी थी किस बेसिस के ऊपर यह आपकी बनी थी लैंग्वेज बेसिस के ऊपर ठीक है बात करें अगर हम इसके बाद क्या हुआ था इसके बाद जो आपका आया था फैजल अली कमीशन फैजल अली कमीशन में दो मेंबर्स और थे ये टोटल तीन मेंबर्स थे जो इनके दो मेंबर्स और थे उनका क्या नाम था उनका नाम था के एम पनिकर एंड एच एन कन के एम पनिकर ठीक है और दूसरा जिसका क्या नाम था दूसरा नाम था आपका एच एन कुंजरू यह बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके जो हेड थे जो चेयरपर्सन थे इस कमीशन के तो वह कौन थे वह थे आपके फैजल अली सो यह कमीशन आप याद रखना नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन वर क्रिएटेड और ग्रांटेड फुल स्टेट हुड सो आपने इसको सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सी पहले बनी थी कौन सी बाद में बनी थी बात करें आंध्र प्रदेश की तो ये आपकी आई है 1953 में महाराष्ट्र 1960 में नागालैंड आपकी आई है 1963 में एंड हरियाणा 1966 में बात करें अगर हम महाराष्ट्र की जैसे कि मैंने आपको बताया था बॉम्बे में से महाराष्ट्र एंड गुजरात आया था आपका ठीक है महाराष्ट्र इज़ फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल लिव्स इन महाराष्ट्र एंड गुजराती स्पीकिंग कहाँ पे हैं गुजरात में सो so, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फोर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट विच ऑफ दैम आर करेक्ट विद देल्प ऑफ गिवन कोर्ट्स सो आपके पास चार ऑप्शन है आप इन्हें एक बार देख लीजिए सो वेल पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं इन तीनों को द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडिया स्टेट्स हैव नो राइट टू रिसड तो ये बिल्कुल ठीक है ये आपको कौन से आर्टिकल में लिखा था यूनियन ऑफ स्टेट इट इज इन आर्टिकल नंबर वन सेकेंड इज द एस के धार कमीशन प्रेफर्ड री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रैदर दैन ऑन लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक बेसिस तो जो एस के धार कमीशन था ये क्या चाहता था ये चाहता था कि जो स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन हो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे हो ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर ठीक है थर्ड इज़ द कांग्रेस कमेटी अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टा सीता सीतारमैया डिड नॉट फेवर लिंग्विस्टिक बेसिस फॉर री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स तो ये बिल्कुल ठीक है तो इसका क्या आंसर बनेगा वन टू थ्री ये तीनों ही क्या है आपके ठीक हैं सो so, इसका आपका ऑप्शन क्या बनेगा ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन एट द एंड सो आपको ये चारों स्टेट्स आपने क्या लगानी है सीक्वेंस में लगानी है so, सो इस यूनियन एंड इट्स टेरेटरीज में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वह ऐसे ही बनते हैं कि इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है सो so, वेल well, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यह आपकी बनी है टू में अरुणाचल प्रदेश आपकी है 1987 में झारखंड है 2000 में एंड सिक्किम आपकी 1975 में कौन सी अमेंडमेंट हुई थी ये आपकी थर्टी सिक्स अमेंडमेंट में अब जैसे कि इसको हमें पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ कौन सी डेट और झारखंड कौन सी डेट में बनी थी क्योंकि इनका ईयर सेम है बात करें अगर हम छत्तीस झारखंड की तो ये आपकी आई थी पंद्रह नवंबर दो हज़ार में और छत्तीसगढ़ आपकी बनी है एक नवंबर 2000 में ठीक है सो so इसका आपका क्या सीक्वेंस बनेगा सबसे पहले कौन सी बनी है आपकी ऑप्शन नंबर फोर दैट इज़ सिक्किम उसके बाद आपका क्या आया है उसके बाद आपकी आई है अरुणाचल प्रदेश देन उसके बाद छत्तीसगढ़ एंड फिर उसके बाद क्या है सिक उसके बाद है आपका थर्ड दैट इज़ झारखंड सो so आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर सिक्स बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डेली हैज़ बिकम नेशनल कैपिटल रीजन सो कौन सी अमेंडमेंट हुई थी जिसमें दिल्ली को क्या बना दिया था आपका नेशनल कैपिटल रीजन एन बना दिया गया था सो so, आपके पास चार ऑप्शनस है आप इन्हें एक बार देख लीजिए सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज़ सिक्सटी नाइन्थ अमेंडमेंट जो कि आपकी आई थी 1991 में सो so, इसमें आपके दो आर्टिकल्स एड अमेंड हुए थे दैट इज़ इंसर्ट हुए थे 239 थर्टी नाइन ए एंड टू बी वेल अगर हम बात करें सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट में तो इसमें क्या हुआ था इसमें थ्री लैंग्वेजेस एड हुई थी आपकी कौन से स्केड्यूल में एट्स केड्यूल में सो so, जो आपका एट शेड्यूल है इसमें आपकी तीन तीन लैंग्वेजेस ऐड हुई थी जिनका के क्या नाम है मणिपुरी कौनकनी एंड नेपाली तो ये तीन लैंग्वेजेस आपकी सेवेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट में ऐड हुई थी और एक अमेंडमेंट और हुई थी जिसमें की लैंग्वेजेस ऐड हुई थी वह आपकी हुई थी नाइनटी सेकेंड अमेंडमेंट टू थाउजेंड थ्री सो इसको याद कैसे करना आपने डी बी एम एस सो डी बी एम एस में क्या है ये एक सब्जेक्ट था वैसे डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको एक मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि डी से आपकी थी डोगरी बी से थी आपकी बोडो एम से मैथली एंड एस से संथली सो so यह आपकी कौन सी अमेंडमेंट में ऐड हुई थी नाइन्टी सेकेंड अमेंडमेंट दो हज़ार तीन में एट्थ स्कैडल में सो so आपको यह याद होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है बात करें अगर हम सेवेंटी नाइन्थ अमेंडमेंट की तो इसमें आपकी जो रिजर्वेशन थी फॉर एस सी और एंग्लो इंडियंस की यह इंक्रीज होगी थी नेक्स्ट टेन ईयर्स के लिए नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन इज द फॉलोइंग वर क्रिएटेड आफ्टर नाइनटीन सिक्सटी अरेंज दम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देर इन्फॉर्मेशन एंड चूज़ योर आंसर फ्रॉम फ्रॉम द गिवन कोर्ट्स सो आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है बात करें अगर हम हरियाणा की तो यह आपकी आई है नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में सिक्किम है आपकी नाइनटीन सेवेंटी फाइव में नागालैंड कब थी नागालैंड आपकी आई है नाइन्टीन सिक्सटी थ्री में एंड मेघालय आपकी आ गई है नाइनटीन सेवेंटी टू में सो so, पहले आपका आएगा नागालैंड दैट इज वन सॉरी थ्री उसके बाद आपका बन रहा है वन उसके बाद आपका बनेगा फोर एंड देन टू सो इसका सीक्वेंस क्या बना है थ्री वन फोर टू ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर एट इन विच ईयर द नेम ऑफ लैकदीव मीनिक्वाय एंड एमनदीव आइलैंड वॉज चेंज्ड इन लक्षदीप बाय पार्लियामेंट एक्ट सो so, आपने यह बताना है इसका नाम कब चेंज हुआ था सो so, आपके पास चार ऑप्शन हैं आप इन्हें एक बार देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ 1973। सो so, नाइनटीन में मैसूर का नाम भी चेंज करके क्या बन गया था वह आपका बन गया था कर्नाटका वेल well, हम बाकी प्रोविंस बाकी स्टेट्स की बात कर लेते हैं बात करें अगर हम यूनाइटेड प्रोविंस की तो ये पहली स्टेट थी जिसका नाम इसको हमने रीनेम किया था और उसका नाम हमने रखा था उत्तर प्रदेश तो पहले ये था यूनाइटेड प्रोविंस, 1969 में इसे हमने क्या नाम दे दिया था उत्तर प्रदेश बात करें अगर हम मद्रास की तो जो मद्रास था ये आपका नाइनटीन में मद्रास को हमने क्या नाम दिया था तमिलनाडु जो मैंने आपको यूनाइटेड प्रोविंस बताया है यह आपका यूपी जो बना था यह आपका बना था 1950 में जो मद्रास है यह तमिलनाडु बना था 1969 में कर्नाटका का मैंने आप बता चुकी हूँ लक्षद्वीप का भी आपका हो गया और जो 1992 में क्या हुआ था जो यूटी थी आपकी दिल्ली इसको क्या दिया था नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाया था और कौन सी अमेंडमेंट थी वह सिक्सटी अमेंडमेंट नाइनटीन 2006 में आपका जो था उत्तरांचल उसका नाम कर दिया था उत्तराखंड ठीक है और इसी ईयर में आपका जो पुडुचेरी था सॉरी पौंडीचैरी था जिसे हम पौंडीचैरी कहते थे उसे हमने क्या कर दिया था पुडुचेरी और 2011 में हमने ओडिशा को क्या कर दिया था किस नाम क्या रीनेम किया था ओडिशा ठीक है ओडिशा को क्या कर दिया था हमने उड़ीसा नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर नाइन उत्तराखंड स्टेट केम इन टू एक्जिस्टेंस ओन सो ये कब आई थी आपकी तो यह भी आपकी आई थी नवम्बर नाइन 2000 में और जो आपको मैंने पहले बताया था झारखंड एंड छत्तीसगढ़ ये भी आपकी 2000 में बनी थी झारखंड आपकी आई थी 15 नवंबर छत्तीसगढ़ आई थी 1 नवंबर और जो उत्तराखंड है ये आपकी कब है नवंबर 9, 2000 में और जो आपकी उत्तराखंड है ये आपकी कहाँ से आई कहाँ से काब हुई थी तो ये आपकी आई थी उत्तर प्रदेश से निकली थी उत्तराखंड ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन इन हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है आपके पास चार ऑप्शन हैं आप इन्हें एक बार देख लीजिए सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री दैट इज फाइव वे से आप इसको एक्वायर कर सकते हैं वेल well, बात करें अगर हम सिटीज़नशिप एक्ट 1955 की तो इसमें आपको चार वेज़ दिए हैं जिसमें आप इसको एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप को जो कि हैं आपके बाय डिसेंट बाय बर्थ बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय नेचुरलाइजेशन जो आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है तो ये आपका आता है होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर वेल well, अगर हम पांचों वेज की बात करें तो वह आपको याद रखने के लिए एक ये आप याद रखें ब्रांड करके सो बी फॉर बर्थ आर से बाय रजिस्ट्रेशन ए से बाय एक्वायर्ड जो एक्वायर्ड टेरेटरी होती है एन से बाय नेचुरलाइजेशन और डी से बाय डिसेंट सो इन वे से आप क्या कर सकते हैं सिटीजनशिप को क्या कर सकते हो आप एक्वायर कर सकते हो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर इलेवन वेल अब हम इन्हें डिस्कस भी कर लेते हैं थोड़ा सा बाय बर्थ तो आप सब जानते ही हैं बाय डिसेंट की बात करें तो जैसे कि आपके पेरेंट्स कोई आपके यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ रहते हों बात करें अगर हम रजिस्ट्रेशन की तो अगर किसी बाहर के इंसान को यहाँ की रजिस्ट्रेशन चाहिए तो उसको आप सेवन ईयर्स के लिए यहाँ पर रहना पड़ेगा या फिर कोई कोई पर्सन इंडियन पर्सन से मैरिज कर ले कोई बाहर का पर्सन तो उसको भी सेवन ईयर्स यहाँ पे रहना पड़ेगा ठीक है बाय नेचुरलाइजेशन मतलब कि आप नेचुरल तरीके से यहाँ पे रहने लग गए हो आप नहीं सॉरी कोई बाहर का इंसान यहाँ पे नेचुरल तरीके से रहने लग जाए तो वो भी यहाँ पे सिटीजनशिप को क्या कर सकता है एक्वायर कर सकता है

आपके पास चार ऑप्शन हैं आप इन्हें एक बार देख लीजिए सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज 1962। क्वेश्चन नंबर 13 इज विद व्हाट सब्जेक्ट डू द आर्टिकल्स 5 टू 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील सो आपके पास चार ऑप्शन है आप इन्हें एक बार देख लीजिए सो so, आप, आपको ये बताना है जो पाँच से ग्यारह जो आर्टिकल्स आते हैं ये किससे डील करते हैं सो so, ये आपके डील करते हैं सिटीजनशिप से बात करें अगर हम ऑप्शन ए की फर्स्ट की तो इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरेटरी ये आपके आते हैं पार्ट वन में आर्टिकल वन टू फोर के बीच में सिटीज़नशिप आ गई आपकी पार्ट टू आर्टिकल फाइव टू इलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गई आपकी पार्ट फोर ए और आर्टिकल फिफ्टी वन ए में ये जो आपकी आई थी ये आपकी आई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन फिफ्टी

सो so, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ 1956। वेल well, आपका 1953 में फैजल अली कमीशन आया था उसकी जो इसके बाद जो रिपोर्ट्स आई आने लगी थी उसके बाद आपका सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1956 आया था जिसमें कि आपकी 14 स्टेट्स और 6 यूटीज लाई गई थी ठीक है सो स्टार्टिंग में आपकी कितनी थी फोर्टीन स्टेट्स और सिक्स यूटीज नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फॉलिंग कंडीशन आर सिटीजनशिप भी प्रोवाइडेड इन इंडिया सो आपके पास ये तीन ऑप्शन है आप इन्हें एक बार देख लीजिए सो so, वैल इसे डिस्कस करते हैं ऑप्शन ए फर्स्ट इज वन शुड बी बोर्न इन इंडिया यह आपका बिल्कुल ठीक है इधर ऑफ हुज बोर्न इन इंडिया यह भी आपका ठीक है थर्ड वन इज हुजीन ऑर्डनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर नोट लेस देन सेवन ईयरस तो यह आपका नहीं है सो so, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए दैट इज वन एंड टू वेल well, किस कितने साल के लिए था आपका सेवन इयर्स के लिए और दूसरा अगर हम नेचुरलाइजेशन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सेवन इयर्स रहना पड़ेगा और बाय नेचुरलाइजेशन के लिए आपको यहाँ पे कितनी देर करना रह, कि, रहना पड़ेगा ट्वेल्व इयर्स के लिए नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अंडर आर्टिकल वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ डिक्लेयर दैट भारत मीन्स इंडिया शेल बी सो so, इसे तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स जो कि कौन से आर्टिकल में आता है आपका आर्टिकल वन में आता है यूनियन ऑफ स्टेट्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है इंक्लूडेड ओनली स्टेट्स टेरिटरीज में आपके पास क्या इंक्लूड होगी स्टेट्स यूटीज प्लस जो एक्वायर्ड स्टेट्स होती हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट सो आपके पास चार ऑप्शन है आप इन्हें एक बार देख लीजिए सो so, इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नहीं है स्टेट का सो वेल स्टेट को चलाने के लिए पॉपुलेशन चाहिए लैंड चाहिए गवर्नमेंट चाहिए आर्मी नहीं आएगा इसका इसका मैंने आपको बताया था सॉवरनेटी ये हम पहले वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुकी हैं क्वेश्चन सो जो आपके चार एलिमेंट्स हैं वे हैं आपके पॉपुलेशन लैंड गवर्नमेंट एंड सॉवर्नेटी नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर एटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इज द अंडर द स्टेट सो so, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन राज्य के अधीन है आपके पास चार ऑप्शन है आप इन्हें एक बार देख लीजिए ये क्वेश्चन भी हम पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं इसे हमने हिस्ट्री में भी डिस्कस किया था सो so, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉवर्निटी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज द स्टेट ऑपरेट थ्रू राज्य के माध्यम से संचालित होता है तो आपको बताना है जो स्टेट है ये किसके थ्रू ऑपरेट होता है इसे कौन ऑपरेट करता है सो so, इसको ऑपरेट करती है हमारी गवर्नमेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन इन नाइनटीन क्रिएटेड सो आपको ये बताना है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 आया था तो इसमें आपकी कितनी स्टेट्स और यूटीज आई थी तो इसमें आपकी बनी थी ऑप्शन नंबर थर्ड फोर्टीन स्टेट्स एंड सिक्स यूनियन टेरिटरीज़ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ कर्नाटका वॉज अचीव इन द ईयर सो कौन से ईयर में अचीव हुई थी इसकी यूनिफिकेशन तो ये आपकी अचीव हुई थी ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ नाइनटीन फिफ्टी सिक्स वेल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका कर्नाटका था इसका पहले क्या नाम था मैसूर और इसका जो कर्नाटका जो नेम बना री रीनेम हुई थी ये हुई थी आपकी नाइनटीन थ्री में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इज़ विच स्टेट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल्स टू थर्टी नाइन ए एंड टू फोर्टी सो कौन सी स्टेट आपकी आई थी तो आपके पास चार ऑप्शन हैं आप इन्हें एक बार देख लीजिए सो so, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश यह आपकी आई थी थ्री मई नाइनटीन सेवेंटी फाइव में सो so, यह आपका जो अमेंडमेंट हुई थी ये आपकी हुई थी थ्री मई नाइन्टीन फाइव को बात करें अगर हम सिक्किम की तो यह आपको पता है कौन सी अमेंडमेंट में आया था थर्टी सिक्स अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी फाइव में और इसमें हमने आर्टिकल 80 और एट्टी वन को भी अमेंड किया था क्योंकि हमने इसमें जो सीट्स हैं वह डाली थी किसमें लोकसभा और रा, राज्यसभा में बात करें अगर छत्तीसगढ़ की तो यह आर्टिकल वन चेंज हुआ था और इसमें हमने ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया था छत्तीसगढ़ के लिए Now moving to question number twenty third is provision of citizenship in Indian Constitution became applicable in. So आपके पास चार options हैं आप इन्हें एक बार देख लीजिए. So इसका correct answer है option number two that is ये आपकी हुई थी applicable twenty six November nineteen forty nine में. Now moving to question number twenty four. Which article of Indian Constitution empowers the Parliament to regulate right of citizenship? So आपके पास चार options हैं आप इन्हें एक बार देख लीजिए. सो so, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो रेगुलेट करे राइट्स ऑफ सिटीजनशिप तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ आर्टिकल इलेवन वेल हम चारों आर्टिकल्स डिस्कस कर लेते हैं ये आर्टिकल एट की बात करें तो इसमें क्या था जो पर्सन ऑफ इंडियन औरिजन होता है अगर वो बाहर अगर वो बाहर रह रहा है तो हम उसके राइट ऑफ सिटीजनशिप उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं आर्टिकल नाइन की बात करें तो इसमें क्या है कि अगर आप वॉलन्ट्रली की खुद से खुद की मर्ज़ी से दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपकी यहाँ की सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाती है बात करें आर्टिकल टेन की तो इसमें क्या था अगर कोई भी लॉ बनेगा तो वह क्या कौन बनाएगा आपका पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है सो so, जो भी प्रोविजन्स होते हैं ये सब क्या किसके अकॉर्डिंग बनते हैं ये आपके बनते हैं पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग Now moving to question number twenty five. No person shall be a citizen of citizen of India if he has. So आपके पास चार options हैं आप इन्हें एक बार देख लीजिए सो so, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज अगर वो voluntarily क्या acquire कर लेता है दूसरे देश की सिटीजनशिप को ठीक है सो so, हम आज के क्वेश्चन आपको कौन से मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं क्वेश्चन नंबर वन इज वेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस आर्टिकुलेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन नंबर टू इज वेयर कैन वी सी द वैल्यूज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो वेल यहाँ पे हमारा आज का सेशन खत्म होता है थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस सेशन